अभी टाइम हो रहा है 3:15। ये देखें छुपकली कमरे में घुस गई मेरे। मास मारो मारो मारो, मर तो गई वो। इतना सारा स्प्रे तुमने जो पहले मार दिया, फिर भी एक झाड़ू मार दो। हिट झाड़ू। अगर मैंने इसको हिलाया ये मेरे ऊपर आ गई तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। मारो मारो। बहुत जद्दोजहद के बाद भाई छुपकली को मास ने मार दिया भाई। ये मेरे पास आए कि मास छुपकली आ गई, मारने आओ उसको, खुद नहीं मार सकते। धक्का क्यों दे रहे हो? इसको और मारूंगा मैं, और अबे चुपक गई। ये लो ये लो, आधा स्प्रे खत्म कर दिया, आधा स्प्रे खत्म कर दिया। अबे मेरे पास उठा लोगे ना? बस सही है ये, बाय बाय। भाई इतनी रात को उठा के आया, बोला कि छुपकली मारने आ जाओ। ऐसे कौन करता है भाई? चुपचाप भला, मैं एडिट कर रहा हूँ। तो भाई मैं डर गया था ना इतनी रात में। अबे टमाटर स्पेंडर छुपकली आ गई थी, तेरी छुपकली। तू डर रहा है? ये तो बचपन से ही डरपोक है। बोलने आया था छुपकली आ गई, मार दो। हाँ, इसने क्या इशारा किया? बाबू बाबू अच्छा पका रहा तुम्हें। मैं तो आ गया ना। मैं थैंक यू सो मच। चले हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मामा हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम जाएंगे आज ग्रेट आना, हमें इतने मजे करेंगे और मजे करने वाला आज हम बहुत बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। चलो 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 चलो, बंद करो बंद करो। मास भाई कहाँ भाई? कहाँ है मास भाई? नहाने गए हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस निकलने वाले हैं। तब तक हम लोग नीचे चलते हैं, मास भाई आ जाएंगे। ले जल्दी ऊपर से मार्क्स ले आओ। कितने मार्क्स? 3 ले आओ। मार्क्स भूल गए तो ऊपर से आते हुए फिर ये मार्क्स लेने गए। हम आ गए हैं हाईवे पे, लियारी एक्सप्रेस वे क्रॉस। ये सबसे मजे का रोड कौन सा है? हाईवे। ये वाला नहीं, वो हाईवे थोड़ी है, वो लियारी एक्सप्रेस वे है। मुझे नहीं पता था, पता चल गया हाईवे कौन सा है और लियारी एक्सप्रेस कौन सा है। हाईवे। सही, गुड यार, गुड। भाई गाड़ी चला रहे हैं और पापा आगे बैठे हुए। हाईवे से तो बेरी टाउन की जो ड्राइव है वो 10 मिनट की है, तो 10 मिनट बाद आपको मिलते हैं। ये किसके पैसे पड़े हुए? तुम्हारे तो नहीं है। अभी यहाँ पर 100 का नोट पड़ा होता ना, बोलती मेरा है। चला के 10 का नोट पड़ा हुआ ना, बोलिए मेरा नहीं है। बहुत तेज हो गई है। हर 5 मिनट बाद तो पापा ये आ जाता है, पैसे पर्ची हर 5 मिनट बाद। क्या करें बस, लेकिन भाई साहब आ गए। तो भाई आगे लोकेशन पर, पापा उतर गए, फरी उतरो। तो ये बिल्डिंग बन रही है न्यू इधर आए तो देखते हैं क्या सीन है इधर का। हाँ भाई देखते हैं क्या है। सो हम लोग तो यहाँ बैठ चुके हैं, पापा अंदर गए। अंदर यार बुकिंग कराई है तुमने तुम्हारे फ्लैट की? भाई मेरे फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए कैसा है कैसा नहीं है, तो आप लोग भी देख लें, आज ही देख लें, आज ही देख लें। ये बिल्डिंग का बैक साइड है सारा, बहुत अच्छा व्यू है। अब हम डाले सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि अभी तक लिफ्ट नहीं लगी, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। हाँ, अरे अरे मैं यहाँ से गिरा। पकड़ लो पकड़ लो, अगर गिर गए तो फिर गिर गए और क्या। देखो ना कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक फिलहाल, अभी सब बन रहा है। जैसा जैसा ऊपर जाते जाएंगे व्यू आता जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर सपोर्ट आ चुका है। सो ये दूसरे फ्लैट मतलब किसी और ने लिए होंगे, हमारा फ्लोर जो ये है, इधर से व्यू आएगा इतना प्यारा। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, क्लास वॉशरूम से लेकर रूम में आया, फिर रूम से थोड़ा थोड़ा आगे आया, फिर सामने देखा तो व्यू आ गया। ओए नहीं नहीं, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बेड लगा हुआ वो देखें, यहाँ बेड लगा हुआ देखें, और यहाँ पर सारी पिक्चर्स लगी हुई मेरी, और टीवी भी लगा हुआ है देखें। अच्छा फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो सही है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। दो रूम का कमरा है यार, दो रूम, समझ जा बात के लिए, तो समझ रहे हो। तो ये भी इसकी बालकनी है और ये भी इसका व्यू है। 10 मंजिला फ्लोर है और मैंने ऊपर लिया है, ये तो इसे नीचे से देख रहे हैं हम लोग। ये व्यू आ रहा है, जब ऊपर से देखेंगे तो क्या व्यू आएगा। टॉप पे लिया है, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, छत पे रहेंगे। नीचे में समझा यही वाला? नहीं नहीं, आजो वो लोग भाग गए, आजो आजो आजो। सो ये मिड वाले भी थे, मिड में मतलब ज्यादा एयर का प्रेशर जो होता ना वो नहीं आता, मतलब ठंडा ठंडा मतलब फील नहीं होता, तो हमने कॉर्नर का लिया बिल्कुल, ताकि उधर विंडो भी और बालकनी भी हो। तो है, लेकिन फिर भी इधर जो फ्लैट्स है ना वो खुली जगह पे है, आप बीच में भी रोको शायद हवा आएगी पास। वाह 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 वाह। सो पापा ने बोला मैं अंदर ही, तुम लोग जरा घूम कर आ जाओ। कहाँ घूमोगी? घूमेंगे सारी जगह, कौन सी आ गई तो देखते हैं भाई, कहाँ घूमते कहाँ नहीं घूमते, हाँ से लेकर और ये वहां तक है। अभी हम जाए जा रहे हैं पैदल पैदल पैदल, थोड़ा थोड़ा गाड़ी में तो बहुत घूम लिया, पैदल घूम रहे हैं, देखने आ रहे हैं कोने से बिल्डिंग कितनी पतली है, बहुत पतली है यार। इसमें ऐसा है कि आपका घर ना मतलब लाइन वाइज होगा, लाइन 1 2 3 4 5 सामने बराबर, कोई भी नहीं आगे पीछे, बिल्कुल स्लिम से बिल्डिंग है, बिल्कुल मेरी तरह। सो भाई वापसी आ गए, तो अब कुछ चलते हैं खाने पीने देखते हैं, जब तक पापा अंदर बैठे हुए तो हमने बोला हम कुछ खा पी कर आ जाए। सर आप क्या खिला रहे हैं?
मैं आपको खिलाऊंगा शावरमा। अगर रोज ही शावरमा खिला रहे होते हो कुछ और खिला दो। आपको खिलाऊंगा समोसे। समोसे अब हमें भाई ढूंढना है कि हमें निकलना कहाँ से, रास्ते भी याद करने पड़ेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा पता नहीं। तो पता नहीं रास्ते कैसे याद होंगे हमें यार। रास्ते याद हो जाएंगे, आपने बुक करवा लिया ना। आपका आना जाना होगा आपको ऑटोमेटिक रास्ते पता। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक भाई वो ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटोमेटिक रास्ते याद बंद करके गाड़ी चलाओ भाई डूब जाएगी। भैया सही जगह पर आ गया, उसके बाद भी फिर हमें मिल गया। लो मैं ये बोलने वाला था कि मुझे दिख ही नहीं रहा कि कहाँ पर है, लेकिन हमें थोड़ा घूम कर आना पड़ा है। सो बस यहाँ पर यही है कि आपको घूम घूम कर आना पड़ता है। बहुत कम कम जगहों पे चीजें हैं, मार्ट हो गई, कैफे जाना है, कोई रेस्टोरेंट जाना है, वो थोड़ा थोड़ा सा फासले पर। ले लो जल्दी, क्या चाहिए बताओ। जूस मेरे लिए भी कुछ ले लो यार। चलो थैंक यू। तो भाई हमने ले ली है चीजें, फरिया की कोल्ड ड्रिंक एक और मेरा जूस है। पापा के लिए तो लिया ही नहीं, जब पापा के लिए भी लो। चलो फरिया चलो अपनी कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो मुझे भी जूस दो। थैंक यू। चलो जल्दी यार फेंकने में डस्टबिन में। फरिया क्या हुआ? तो भैया का वॉशरूम आ चुका है, तो भैया उधर के जा रहे हैं वॉशरूम। अरे बिल्डिंग किधर गई वो री, जाओ जल्दी। क्या हो गया, वापसी क्यों आ गए? टाइम खत्म, टाइम से चलता है भैया, अभी इसकी भी छुट्टी हो जाती है, मतलब बंद कर दिया। हाँ भाई टाइम से वॉशरूम चल रहा है, ये क्या सीन है। सो भाई आ गए, पापा को देखने, पापा क्या कर रहे हैं। पापा को बोलेंगे चले भाई, मगरिब होने वाली है, रात हो जाएगी वरना फिर बहुत ना। अगला बाहर रुको, भैया के पास मैं आया। फिर इधर बैठ के थोड़ी सी बातचीत की और बस करते रहे। फिर खाना भी आ गया तो खाना भी खाया और ये लोग भी। सो भाई फाइनली आ गए हैं बाहर, और मैंने जैसे बोला था रात हो जाएगी और रात हो चुकी है। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार हो गया माशाल्लाह। फिलहाल कुछ टाइम है अभी, इसको साल है आधा साल। मैंने बोला अभी से कर लो, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। पापा अपने काम से बाहर चले गए और फरिया भी बाहर निकल गई। फरिया बैठ जाओ अभी यार, जाना है ना। बस यहाँ खड़ी हूँ, बस खड़ी रहो फिर चलो। और मुझे देखो अकेला छोड़ दिया यार, जल्दी आ जाओ अंदर, मुँह चढ़ा रही है। चला कार्टून, और एक कार्टून वो आ रहा है। कब आ रहे पापा? पापा बस आ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं फिलहाल। पापा ने जूस तो पिया ही नहीं, इसमें स्ट्रॉ नहीं है ना, तो कैसे पियेंगे? ना स्ट्रॉ थैली कहाँ वाली, वो थैली फेंक दी बाहर डस्टबिन में। फेंकी हुई अभी इधर है, देसी स्टाइल में पी लेंगे, देसी स्टाइल। बिल्कुल सही है, ओके। टाइम 7:30 हो चुके हैं, पापा आ गए हैं भाई फाइनली, अब चले घर भाई। पापा ये आपके लिए लिया था, इसका स्ट्रॉ फेंक दिया हमने डस्टबिन में। स्ट्रॉ नहीं है इसका पापा, ऐसे पीना पड़ेगा भैया ने बोला, देसी स्टाइल में पीना पड़ेगा। देसी स्टाइल लेके ऐसे पीते, भैया ने सही बोला देसी स्टाइल यही वाला होता है। सबसे पहले पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारी। फरिया बेचारी बोर हो गई, थक गए बिल्कुल। सो जाओ, थक गए ना बैठे बैठे एक जगह पर। मैं तो नहीं थका यार। हाँ तुम्हारे ना तो पता नहीं क्या लगा, हमें स्प्रिंग है शायद, तुम थके ही नहीं। वाह भाई हम तो थक गए, बैठे बैठे बेचारी कुछ भी करने को था ही नहीं, थक गई। इसको ये पता था कि मैं घूमने जा रही हूँ बस, मैं इसको जब भी जाना, अब थक गए और बस, और अब डायरेक्ट जाएंगे घर। एंड फाइनली फिर घर भी आ गया। और कैसे उठी भाई, बस ख्याल रखो। मैं पीछे पीछे आ रही, भैया किधर है? भैया पता नहीं इधर, भैया अभी तक नीचे ही रह गया। मॉम मॉम आप यहाँ बैठी हुई, मैं वहाँ ढूंढ रहा था आपको। मैं सो गई थी, पता है सो गई थी। चले मॉम आपने आराम किया, बस बुक करवा लिया, देखो अब कब तक और कब जाते हैं। मिठाई क्या पहले मिल तो जाए, मैं सही वाला अभी बुक करवाया ना, जैसे गाड़ी लेते हैं आप बुक करवाते हैं, फिर गाड़ी मिलती है फिर मिठाई खिलाते हैं। तो मेरी मॉम ना फुल देसी है, फुल देसी के बस जो भी चीज हो फौरन से मिठाई खिलाओ भाई, सबर कर जाओ मम्मी, ये खा लेना चॉकलेट, आपके लिए चॉकलेट। मगा कहने का मकसद है दावत करो हमारी, हम सबकी। तो ये तो ज्यादा ही होगा, ये कुछ ज्यादा देसी होगा। तो हम खाने में क्या बना है, बस आलू गोश्त। हम बहुत भूख लगी है, ये तो खा पी कर रहे हैं फिर भी भूख लग रही है, तो फटाफट से खाना खाएंगे अब। तो खाने में आज के है चावल आलू गोश्त, फटाफट से निकाल लेते हैं, फटाफट से भाई खा लेते हैं खाना। अबे अभी अभी सो के उठा, कब से सो रहा था यार, अबे इतनी मोटी इधर देख, अभी स्टाइल कैसे मारता है ये। इधर ही व्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा, पता नहीं छोटा बना है बड़ा बना है, जब एडिट करता हूँ तो पता लगता है कि छोटा हो गया बड़ा हो गया। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें यार। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मम ने दुआ दी थी, मम की दुआ से सब कुछ होता है, होता है ना माँ की दुआ से, माँ की दुआ जन्नत के हवा। हाँ 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 टीचर को, ओए टीचर 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 सुपरमैन बन गए आप तो। सो बस बाय बाय, अल्लाह भाई। माँ अंदर ऑफिस में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अंदर कुछ बातचीत चल रही है, तो हम भी ये कुछ बात कर लें। खैरियत से अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत चल रही है, माँ और पापा अंदर बैठा है, हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, सो देखना कितना टाइम लगेगा।